क्या आपने सोचा है कि आप कुछ भी एक पैड पे लिखोगे या कुछ भी एक पैड पे ड्रॉ करोगे, उसको आप सीधा एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं तपन कपाड़िया HSW एम्ब्रॉयडरी चैनल से आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पिताजी की सिग्नेचर एक पैड पे लेके उसको एम्ब्रॉयडरी करके सालों तक संजो के रख सकते हैं, या फिर आपने कुछ पैड पे ड्रॉ किया है, वो ड्राइंग एज इट इज एम्ब्रॉयडरी होके आप उसको संजो के रख सकते हो या किसी को सोवेनर की तरह दे सकते हो? जी हाँ, आज HSW एम्ब्रॉयडरी मशीन आपके लिए ये फीचर्स लेके आया है। ये फीचर है राइटिंग इनटू एम्ब्रॉयडरी और ड्राइंग इनटू एम्ब्रॉयडरी थ्रू अ डूडल आर्ट पैड। तो इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा पैड जो आपको हमसे परचेज करना पड़ेगा, जो HSW एम्ब्रॉयडरी डीलर से या HSW एम्ब्रॉयडरी मशीन से आप कॉन्टेक्ट करके इसको परचेज कर सकते हैं। और ये पैड पे आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे या कुछ भी ड्राइंग करोगे, इसको आप सीधा एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए हम मशीन के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले कैनवास मशीन के पास लेके आते हैं और ये जो USB इसका इंसर्ट है, ये हम मशीन के अंदर इंसर्ट करेंगे ऐसे। पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये जब हम इंस्टॉल करते हैं, जब अटैच करते हैं, तब आपका मशीन ऑफ होना चाहिए। ये ऑन होगा तो ये मिसबिहेव करेगा, तो मशीन को आपको ऑफ रखना है, फिर डूडल की USB को ऐसे इंसर्ट करना है और ये मशीन को हमको स्टार्ट करना है। जैसे ही मशीन स्टार्ट होगा आपको ये होम स्क्रीन दिखेगी, पर आपको ये नॉर्मल स्क्रीन से थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि हमने ये डूडल आर्ट का सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया है। डूडल आर्ट का सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल होने से आप ये देखोगे कि ये पेन वाला सिंबल यहाँ पे आया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि डूडल आर्ट वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर अनलॉक होना चाहिए, तो अभी हमारा कंप्यूटर अनलॉक है। सेकंडली, कंप्यूटर को कंपल्सरीली वाईफाई से या इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, जो कि हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है तो आप यहाँ पे राइट सिंबल देख सकते हो, तो हमारा मशीन ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हम आगे बताते हैं कि ये डूडल आर्ट वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है ये पेन वाला बटन। जैसे ही आप पेन वाला बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने ये कैनवास ओपन हो गया है। ये कैनवास ओपन हो गया, आप देख सकते हो कि मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूं तो वो कैनवास पे आ जाता है। अगर इसको डिलीट करना है तो ये बटन दबाइए और डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि ये है थिन ब्रश, पतली वाली ब्रश, ये है मोटी वाली ब्रश। जैसे ही मोटी वाली ब्रश आएगी तो आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा एनलार्ज हो गया, ये देखिए। छोटी वाली तो ये राइटिंग पॉइंट स्मॉल हो गया, बड़ी वाली तो ये राइटिंग पॉइंट बड़ा हो गया। ये जो बटन है ये है कैनवास की साइज का बटन। तो यहाँ पे अलग अलग कैनवास साइज आपको दिया हुआ है, जैसे 30mm by 30mm, 50mm by 50mm, 70mm by 70mm। अगर हम 70mm by 70mm सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कैनवास साइज छोटा हो जाएगा। तो आप उतने में ही ये काम कर सकते हो। आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश की तो ये कैनवास के बाहर जाता है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं कैनवास के अंदर आऊंगा, मैं इसके ऊपर कुछ भी लिख सकता हूँ। राइट, हम इसको डिलीट करते हैं या बैक अंडू कर देते हैं, यहां से अंडू होता है। तो हमको कैनवास साइज हमारे हिसाब से इसको सिलेक्ट करनी है, हम उसको वापस 150 by 100mm सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही 150 by 100mm सिलेक्ट किया, कैनवास साइज बड़ा हो गया। ये है कलर्स, जैसे कि इसमें आप 12 कलर्स में पेंटिंग कर सकते हो या 12 कलर्स में राइटिंग कर सकते हो।
अभी हमने फिलहाल ये ब्लू वाला सिलेक्ट करते हैं, तो ये एक हो गया। आप एक कुछ भी एक लिखिए या ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आपको कलर चेंज करना है तो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। हम आपको प्रैक्टिकली करके ये चीज बताते हैं। जैसे कि अभी ये ग्रीन है, तो हम सबसे पहले एक राइटिंग करते हैं एच। एच को हमने ग्रीन में राइट किया। अभी हमको लिखना है HSW के लिए दूसरा लेटर है S। अभी हम दूसरे लेटर S के लिए हम कलर चेंज करते हैं। अगर हम कलर चेंज नहीं करते हैं और सेम कलर से अगर हम राइट करेंगे, जैसे कि ये हमने राइट किया S, तो वो दोनों चीज एक ही कलर में, मतलब एक ही नीडल से काम होगा। पर अगर हम कलर चेंज कर देते हैं तो नीडल चेंज हो जाएगी। हम इसको अंडू करते हैं और दूसरा कलर सिलेक्ट करते हैं। हम आपको बताते एस लिख के, तो आप देख सकते हो एस दूसरे कलर में आ गया, मतलब ये सेकंड नीडल से चलेगा। अभी हम थर्ड कलर सिलेक्ट करते हैं और हम लिखेंगे W। अभी हमने लिखा W, तो ये HSW ये तीन कलर में हुआ। और ये देखिए दोस्तों, अगर आपसे लिखने में कोई गलती हो गई है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ स्केच करते करते कुछ ड्राइंग गलत हो गई है तो भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इरेजर है, तो हम ये इरेजर दबाएंगे और इरेजर दबा के हम यहां से भी उसको इरेज कर सकते हैं जो चीज हमको नहीं चाहिए, और हम लोग यहां से भी उसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने देखिए पूरा W को डिलीट कर दिया। अभी हमने ये W को पूरा डिलीट कर दिया, तो अभी हमको वापस W लिखना है। तो हम W कैसे लिखेंगे? तो वापस हमको पेंट ब्रश सिलेक्ट करना है। जैसे हम पेंट ब्रश सिलेक्ट करेंगे हम राइट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं पैड पे जैसे ये मूवमेंट करता हूं तो ये कहां पे राइटिंग होगा वो आ जाता है। तो अभी हम यहां से राइटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने W लिख दिया। तो अभी हम बताएंगे कि ये HSW जो के पैड पे लिखा हुआ है उसको हम एम्ब्रॉयडरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट करने के लिए ये आप स्टिच का जो S सिंबल वाला बटन देख रहे हैं उसको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्जन प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो कृपया अपना मशीन, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टेड रखिए। अभी आप देख सकते हो कि इसके ऊपर HSW तीन अलग कलर में आ गया। तो हम इसको करेंगे सेव हमारी मशीन के अंदर। ये सेव दबाने से ये डिजाइन नंबर पूछेगा, आप डिजाइन नंबर डाल दीजिए और ये सेव का बटन प्रेस कर दीजिए। अब सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HSW डिजाइन इंसर्ट हो गई। अभी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। हमको ये डिजाइन सिलेक्ट करना है और ये जो फोर नंबर नीडल सिंबल आप देख रहे हो इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये फ्रेम आपके सामने ओपन होगा और ये आपका मशीन अभी अनलॉक है, तो इसको लॉक करना पड़ेगा। तो आपको ये लॉक करना है और आप देख सकते हो कि आपकी डिजाइन रेडी हो गई है एम्ब्रॉयडरी होने के लिए। इसके लिए आपको कौन सी नीडल चलानी है, पहली नीडल कौन सी चलेगी H में, S में कौन सी नीडल चलेगी, W में कौन सी नीडल चलेगी, वो आप नीडल सिलेक्शन से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको वो कैसे होता है जानना है तो हमारा ट्यूटोरियल है हाउ टू सिलेक्ट द नीडल
वो आप रिफर कर सकते हो। तो हम अभी आपको मशीन को रन करके दिखाएंगे ये एम्ब्रॉयडर कैसे होता है। हाँ तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हो कि हमने HSW लिखा था हाथ से और उसको हमने एम्ब्रॉयडरी किया 3 अलग कलर्स में। तो आप ये देख सकते हो कि कैसा इसका शानदार फिनिशिंग आया है। आप इस तरीके से किसी का सिग्नेचर भी लेके उसको एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, आप स्केच बना के स्केच का भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, किसी का पिक्चर बना के पिक्चर का भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स है और ये आपको बहुत सारी जगहों पे मतलब बहुत सारे जॉब वर्क लाने में काम लगेगा। अगर आपको ये डूडल पैड चाहिए तो आप अपने डीलर से कॉन्टेक्ट कीजिए या तो स्ट्रेट अवे HSW एम्ब्रॉयडरी में कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आप इसको परचेज कर सके। ये मशीन के साथ फ्री नहीं आता है, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा, मार्केट में क्या नया चल रहा है ये आपको पता चला होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो या जो भी नई खबर हम एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड लेके आए वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।